भारत का सबसे छोटा राज्य में से एक राज्य है दोस्तों। सिक्किम का जो नेचुरल ब्यूटी है उसको हम अपने मुंह से क्या बताएं। इसको देखने के लिए आपको एक बार ज़रूर जाना चाहिए सिक्किम पे। दोस्तों अगर आप सिक्किम में जा चुके हैं तो आप इस वीडियो को और अच्छी तरह देखिए, ताकि इसमें और भी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ आपको हम दिखाने वाले हैं। आप में से कोई अगर सिक्किम नहीं गए हैं तो दोस्तों आप ज़रूर देखिए इस वीडियो को, हो सकते है आपकी एक छोटा सा जर्नी हो जाए हम लोगों के साथ। कहा जाता है दुनिया में स्वर्ग तो सिक्किम में ही पाया जा सकता है। हालांकि हम सब जानते हैं दुनिया का स्वर्ग कश्मीर को कहा जाता है, लेकिन आप अगर सिक्किम का पूरा खूबसूरती देखेंगे तो आपका शायद ये चीज़ भी गलत लगे। दोस्तों सिक्किम में आप देख सकते हैं भारत का सबसे बड़ा, दुनिया का तीसरा ऊंचा चोटी कंचनजंगा, जिसकी खूबसूरती देखने के लिए आपको शायद एक बार तो जाना ही चाहिए सिक्किम पे। और दोस्तों हनीमून कपल्स के लिए सिक्किम तो एक बहुत ही अच्छी जगह है, जहाँ पे आप कर सकते इतने हसीन वादियों के ऊपर और इतनी खूबसूरत नज़ारे के सामने अपनी अगली पीढ़ी की सोच। दोस्तों सिक्किम में रहने वाले आबादियों में सबसे ज़्यादा होते नेपाली, और यहाँ का स्थानीय भाषा है नेपाली भाषा। दोस्तों आप सिक्किम में कैसे जाएंगे ये पहले बता देते हैं। सिक्किम जाने का सबसे अच्छा समय होते अक्टूबर से लेकर जून तक के महीने में, लेकिन दोस्तों आप मार्च और मई के अंदर भी एक प्रोग्राम बना सकते जाने के लिए। फिलहाल हम जाएंगे अक्टूबर महीने में। आप अगर ट्रेन से जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन हम आपका जर्नी ट्रेन से करेंगे। दोस्तों आप कोलकाता, दिल्ली, मुंबई कहीं से बागडोगरा का एक फ्लाइट पकड़ लीजिए। दोस्तों प्लेन से उतरने के बाद आप कर लीजिए एक तो गाड़ी, और गाड़ी करके आप चल जाइए गैंगटॉक में। सफर थोड़ा लंबा है, 4 घंटे का है, लेकिन आसपास की खूबसूरती और नज़ारे को देख आपको इस सफर में थकान तो एकदम भी महसूस नहीं होगा। दोस्तों उसी दिन आप कर लीजिए सिक्किम का एक छोटा सा ट्रिप जो है चांगू लेक और बाबा का मंदिर। दोस्तों आप यहाँ से सीधा जा सकते हैं गैंगटॉक पे। दोस्तों अगर आप वहाँ पे जाके होटल ढूंढना चाहेंगे तो आप ढूंढ सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी जर्नी के बाद शायद आपको ये ज़्यादा थकान सा लगे, इसलिए कहता हूँ आप अपना होटल आने से पहले ही बुक करवा लीजिए, ताकि आपको ज़्यादा दौड़ना ना पड़े। दोस्तों यहाँ का होटल थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन फिर भी आपको 2000 तक में होटल मिल जाएगा यहाँ पे। दोस्तों इस तरह से आप कर लीजिए गैंगटॉक का 2 या 4 दिन का छोटा सा ट्रिप, और घूम लीजिए गैंगटॉक का सारे खूबसूरत सी जगह। दोस्तों यहाँ पे इतनी सारी खूबसूरत सी जगह है जिसका नाम अगर मैं इस वीडियो में कहूँ तो शायद खत्म ना हो, लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूँ इन सब जगह को मिला के एक खूबसूरत सी वीडियो। चलिए देखते हैं इस वीडियो को। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए, और तो और हम लोगों का चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों मैं हूँ डीबी वो, और आज आपसे विदा लेते हैं इस वीडियो से। हाँ दोस्तों दूसरा एक वीडियो लेके जल्दी आने वाले आपके साथ, तो हम लोगों के साथ रहिए और घूमते रहिए दुनिया भर में। आपको ये कैसा लगा जरूर बताइए। नमस्कार।